नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। और आज राजधर्म की शुरुआत उस शहर मुंबई से जहां पर इस वक्त पूरी देश की निगाहें टिकी हुई हैं। इस वक्त मैं हयात होटल के सामने खड़ी हुई हूं, वही हयात होटल जहां पर इंडिया एलायंस की एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग शुरू होने में अब बस 3 घंटे का वक्त बाकी है। अब से थोड़ी ही देर के बाद जब यहाँ पर तमाम सियासी नेताओं की चहल पहल बढ़ जाएगी, आम लोगों का आना जाना बंद हो जाएगा, दरवाजे बंद हो जाएंगे और अगले 24 घंटे में 28 दल के 63 नेता अगले 24 घंटे में जो विषय तय करने वाले हैं उससे ये समझ आ जाएगा कि इस बार 2024 की रणनीति मोदी के खिलाफ इंडिया अलायंस क्या तैयार कर रहा है। आज अगले 24 घंटे यानी इस वक्त से लेकर अगले 24 घंटे तक इंडिया अलायंस क्या तय करने वाला है, किन किन विषयों पर मंथन होने वाला है, उससे जुड़ी हुई एक एक ब्रेकिंग न्यूज मैं आपके सामने रखूंगी। हमारे साथ तमाम संवाददाता यहीं से लगातार लाइव रिपोर्ट दे रहे हैं, राजेश कुमार, विजय लक्ष्मी, दिनेश मौर्य, सचिन चौधरी, इस मीटिंग से जुड़ी हुई तमाम खबरें आपके सामने रखेंगे। और सबसे ज्यादा निगाहें तो इस बात पर टिकी हुई थी कि क्या इंडिया अलायंस का कोई कन्वीनर तय किया जाएगा, क्या कोई संयोजक होगा। तो इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर मैं आपको दे दूं कि जो एजेंडा तय किया गया था कि इंडिया अलायंस का एक संयोजक होगा, अब ये बात स्पष्ट हो गई है कि इस मीटिंग में कोई संयोजक तय नहीं होने वाला है। इंडिया अलायंस का कोई कन्वीनर तय नहीं किया जाएगा, बल्कि जो कमेटी बनाने की भी चर्चा की जा रही थी, अभी तक कमेटी बनाने पर भी कोई फैसला नहीं लिया गया है। इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको दे दें, 4 दावेदार थे जो कन्वीनर को लेकर तय किए जा रहे थे। पहला नाम तो सोनिया गांधी का था, दूसरा नाम मल्लिकार्जुन खड़गे का था, और हो भी क्यों ना, वो एक बड़े नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, एक दलित चेहरा है पार्टी के भी, और कांग्रेस ये चाहती थी कि ये पद उनके पास रहे, एक महत्वपूर्ण पद वो किसी और अलायंस के पार्टनर को नहीं देना चाह रही थी। और इसके बाद नाम आता है ममता बनर्जी और नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार जो कि आप जानते हैं लगातार इस इंडिया अलायंस को लेकर सबसे पहले मीटिंग का दौर शुरू करने वाले नीतीश कुमार थे, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की, कांग्रेस पार्टी से मुलाकात की, TMC से मुलाकात की, पूरब से लेकर पश्चिम तक की यात्रा उन्होंने की, वो भी एक प्रबल दावेदार संयोजक के तौर पर कहे जा रहे थे, लेकिन अब वो भी संयोजक नहीं बनाए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, इससे जुड़ी हुई और ज्यादा जानकारी के लिए मैं सीधा राजेश का रुख करती हूँ, मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। राजेश, कोई संयोजक नहीं होगा, इतना बड़ा फलक, इतनी बड़ी मीटिंग, इतने सारे सियासी नेता और संयोजक कोई नहीं। इतने बड़े सियासी नेता हैं, यही वजह है कि कन्वीनर के नाम पर एकमत नहीं हो पा रहे हैं मीनाक्षी। और बड़ी खबर यही निकल के आ रही है कि इंडिया की ये मीटिंग तो है, तीसरी मीटिंग जरूर होने वाली है, लेकिन कोई भी संयोजक का नाम जो है वो तय नहीं हो पाएगा। और यही वजह है कि जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात की जा रही है वो इसीलिए की जा रही है क्योंकि किसी एक नाम पर यानी कि एक कन्वीनर के नाम पर एकमत नहीं हो रहा है कोई, तो ये एक दूसरा फॉर्मूला यानी कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए और कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाकर उसमें ये बात जो है कोई भी अगर नीतियाँ बनानी है या कोई भी मुद्दे रखने हैं तो वो उसमें तय किया जाए। नीतीश कुमार का नाम सबसे आगे, सबसे पहले और सबसे शुरू में सामने आया था क्योंकि वो उद्धव ठाकरे से भी मिले, वो ममता बनर्जी से भी मिले, वो अरविंद केजरीवाल से भी मिले, कांग्रेस के भी तमाम नेताओं से मिले, और ये बात कही जाने लगी थी कि वो कन्वीनर बनाए जा सकते हैं क्योंकि उन्होंने ही शुरुआत की थी विपक्षी महागठबंधन को बनाने की, विपक्षी दलों को एक साथ लाने की, बीजेपी को हराने की, गठबंधन बनाने की जो एक सोच थी उन्होंने। नीतीश कुमार ने खुद पहुंची तब मैंने कुछ ऐसे पोस्टर्स देखे थे राजेश, जिसमें ये क्लियरली दिखाई दे रहा था कि नीतीश कुमार को भी पुश करने के लिए उनके नेता लगातार जी जान से जुटे हुए हैं। पोस्टर्स पे लिखा हुआ था कि इंडिया मांगे नीतीश कुमार, जननायक की उपमा उन्हें दी जा रही थी। और नीतीश कुमार क्या खफा नहीं होंगे कि उन्हें संयोजक नहीं बनाया जाएगा? बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार जिस तरीके के राजनीति करते हैं खुल के कुछ भी बात वो नहीं कहते, यानी कि जिस पद पे उन्हें जाना है या जो पद उन्हें चाहिए हरदम उसके बारे में वो नकारते रहते हैं। अभी 2 दिन पहले उन्होंने कहा कन्वीनर वो नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके के पोस्टर्स मुंबई में लगे हैं कम से कम उसे देख कर तो यही लग रहा है
नीतीश कुमार का नाम जो है वो आगे किया जाए, ऐसा उनके पार्टी के लोग चाहते हैं, ऐसा उनके करीबी लोग चाहते हैं। साथ ही आरजेडी की तरफ से भी ये मंशा है कि नीतीश को अब सेंटर की पॉलिटिक्स में भेजा जाए, हालांकि उसमें उनका अपना बिल्कुल राजेश आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, मुंबई में जो भी आता है वो सिद्धि विनायक के दर पर जरूर जाता है, और इसलिए लालू प्रसाद यादव भी जब मुंबई पहुंचे तो अपने परिवार के साथ वो सिद्धि विनायक के दर पर जरूर जा रहे हैं। और जब उन्होंने मुंबई में कदम रखा, वो जब पटना से निकले, पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपकी मंशा क्या है, इंडिया अलायंस का एजेंडा क्या है, तो उन्होंने सीधा सीधा निशाना साधा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। और इस बार जब वो सिद्धि विनायक के दर्शन के लिए अपने बेटे अपने परिवार के साथ जा रहे हैं तो मन में शायद आरजू भी एक ही होगी कि 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैसे अपदस्थ किया जाए, कैसे एनडीए को पटखनी दी जाए, कैसे 2024 में इंडिया अलायंस की सरकार बनाई जाए। इससे जुड़ी हुई एक बड़ी तस्वीर इस वक्त आपके सामने। मैं आपको याद दिला दूं, कल ही की बात है जब बिहार से खबर निकल कर आई कि बहुत सारे महत्वपूर्ण हिंदू धर्म से जुड़े हुए त्योहारों पर छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। आप देखिए, रक्षाबंधन की छुट्टी रद्द कर दी गई थी, इसके अलावा अगर बात करें कृष्ण जन्माष्टमी की छुट्टी रद्द कर दी गई। और ये सवाल उठा रहे थे बीजेपी कि ऐसे ही अगर चलता रहा तो कहीं ये दिन ना आए कि आप हिंदू त्योहारों पर ही छुट्टियां रद्द कर दें। लेकिन आज लालू यादव का सिद्धि विनायक के दर पर जाना एक तरीके का मैसेज भी हो सकता है जो वो देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो दिल से हिंदू धर्म को मानते हैं और सिद्धि विनायक के दर पर वो जा रहे हैं। अब अगली बड़ी खबर आपको बता दें, इसी इंडिया अलायंस की बैठक से जुड़ी हुई, कोई संयोजक नहीं बन रहा है, लेकिन क्या पीएम मोदी के अगेंस्ट कोई एक ऐसा चेहरा होगा जो प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट होगा? इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, मोदी के खिलाफ प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट कौन होगा, इसे लेकर भी अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। आज इस मीटिंग में शामिल हो रहे 28 सियासी दलों में से कोई एक चेहरा सीधे तौर पर पीएम मोदी को कॉन्टेस्ट नहीं करेगा उनके चेहरे पर, या ये कहे कि इंडिया अलायंस चुनावों में जाएगा, तो कोई एक ऐसा चेहरा निर्धारित नहीं किया गया है, क्योंकि दावेदार बहुत सारे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी की ही बात कर लें तो वो लगातार राहुल गांधी को अपने सबसे बड़ा नेता के तौर पर देखती है। पवन खेड़ा का आज हमने आपको बयान सुनाया था जिसमें वो ये कह रहे थे कि इसमें कोई गलत नहीं है, सभी अपने अपने नेताओं के लिए मांग करते हैं कि वो सबसे बड़े नेता हैं, उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होना चाहिए, और ठीक हो भी रहा है। आप देखिए, अरविंद केजरीवाल के लिए उनकी पार्टी के नेता पुश करती हैं, ममता बनर्जी खुद अपने आप में एक बड़ी नेता हैं, क्या वो प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट हो सकती हैं? नीतीश कुमार के लिए ललन सिंह सरीखे, बहुत सारे और नेता उन्हें प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर देखते हैं। लेकिन ये तय हो चुका है, ना शरद पवार, ना ममता बनर्जी, ना नीतीश कुमार कोई भी प्रधानमंत्री पद का चेहरा नहीं होगा। इससे जुड़ी हुई छोटी सी जानकारी जल्दी से बताएं दिनेश, क्या कोई चेहरा होने जा रहा है, प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट होने जा रहा है? कोई पीएम का चेहरा इस मीटिंग में तय होने जा रहा है? देखिए, फिलहाल उस नाम का ये जो मुद्दा है उसे साइड में रखा जा रहा है, क्योंकि कैंडिडेट बहुत सारे हैं और लगातार खुद उनके नेता भी कह रहे हैं कि उनके पास उम्मीदवारों की कोई कमी नहीं है, ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। लेकिन ये तमाम नेता जानते हैं कि अगर किसी एक का चेहरा आगे किया जाएगा तो पूरे गठबंधन को नुकसान हो सकता है, क्योंकि जितने भी दल साथ में आए हैं सभी का अपना अपना सियासी स्वार्थ है और सभी अपने अपने लेवल पर जो है काफ़ी कद्दावर नेता है, तो कोई नहीं चाहता कि चुनाव में नरेंद्र मोदी जैसे एक बड़े चेहरे के साथ, बड़े ब्रांड के सामने किसी एक चेहरे को खड़ा किया जाए, क्योंकि कंपैरिजन फिर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और इसीलिए कलेक्टिव लीडरशिप के नाम पर ये तमाम दल जो है वो साथ जाना चाहते हैं किसी एक नेता का नाम। तमाम बड़े नेताओं से हम पूछ चुके हैं कि आपका नेता कौन है, उम्मीदवार कौन होगा, बताइए, लेकिन कोई भी जो दल का नेता है वो एक नाम बता नहीं रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि जैसे ही किसी एक नाम को सामने रखा गया तो आधी लड़ाई वो हार जाएंगे। जी जी मीनाक्षी, बिल्कुल, और इसीलिए शायद अब मामला अटकता है आकर सीट शेयरिंग क्या होगी, क्योंकि आप संयोजक तय नहीं कर रहे हैं, कोई प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट तय नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपने ये मीटिंग बुलाई क्यों है? अगला बड़ा एजेंडा इस मीटिंग का होना था सीट शेयरिंग को लेकर, लेकिन क्या सीट शेयरिंग पर भी कोई बात बन पाएगी, इससे लेकर भी एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जब मैं यहाँ मुंबई में पहुंची तो जितने रिपोर्टर्स से मेरी बातचीत हुई, जितनी इनसाइड स्टोरीज हमारे सूत्रों के हवाले से हमें मिली, इंडिया
गठबंधन की इस बैठक में भी इस मीटिंग में भी सीट शेयरिंग को लेकर कोई फॉर्मूला तय नहीं किया जाएगा। इसके बनिस्पत ये जरूर हो सकता है कि राज्यों की इकाई पहले इस मामले पर चर्चा करे, मंथन करें कि राज्यों में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा और फिर वहां से मंथन से जो क्रक्स निकल कर आता है उसे इंडिया अलायंस अपनाएगा। इससे जुड़ी हुई पहले मैं विजय लक्ष्मी हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं, उस पर और ज्यादा डिटेल दे देंगी। विजय लक्ष्मी, सीट शेयरिंग का क्या कोई फॉर्मूला निकलेगा? भी तीसरी मीटिंग कॉल कर ली गई है लेकिन अभी तक कुछ तय नहीं है, ना प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट कौन होने जा रहा है, ना संयोजक कौन होने जा रहा है और ना सीट शेयरिंग को लेकर कोई क्लैरिटी है। देखिए मीनाक्षी, जहां तक बात है सीट शेयरिंग की तो वो सबसे ज्यादा कठिन काम इन तमाम राजनीतिक दलों के लिए होगा और जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं वो इस ओर ही इशारा कर रहे हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर एक फॉर्मूला बनाया जाएगा जो पूरे देश में लागू होगा। वो फॉर्मूला क्या पिछले लोकसभा चुनावों में किस पार्टी की कैसी परफॉर्मेंस थी उसके आधार पर वो सीट शेयरिंग होगी या फिर विनेबिलिटी इस बार किस पार्टी के कैंडिडेट की कैसी है उसके आधार पर वो क्राइटेरिया रख करके सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार किया जाएगा। और जानकारी ये भी आ रही है कि एक कमेटी बनाई जा सकती है जो राज्यों की इकाइयों से चर्चा करके सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को जो है वो तय करेगी कि किस राज्य में किस पार्टी को कितनी सीट दी जानी चाहिए। अब मसलन खबरें आ रही हैं कि ममता बनर्जी 2 से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी को नहीं देना चाहती हैं, उधर अखिलेश यादव 4 से 5 से ज्यादा सीटें जो हैं वो कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में नहीं देना चाहते हैं। कांग्रेस एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, भले ही वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 के चुनाव में हराना चाहते हैं लेकिन कांग्रेस पार्टी भी शायद ये नहीं चाहेगी कि वो सिमटकर एक क्षेत्रीय पार्टी से भी कम हो जाए, वो भी लोकसभा के चुनाव में। तो ऐसे में देखना होगा कि किस हद तक कांग्रेस पार्टी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार होगी अपनी सीटों का, क्योंकि जो क्षेत्रीय दल हैं वो उनको उनकी पुरानी परफॉर्मेंसेस याद दिला रहे हैं। हम एक एक करके विजयलक्ष्मी काम करते हैं कि जितने भी राज्य हैं जिनमें सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा चल रही है उसकी एक एक करके बात कर लेते हैं। और पहला नंबर आता है महाराष्ट्र में, क्योंकि मुंबई में इस वक्त बैठक चल रही है तो ये चर्चा चल रही थी कि शरद पवार वाली एनसीपी का गुट कांग्रेस और उद्धव ठाकरे शिवसेना गुट 16-16 सीटों पर चुनाव में जाए। इससे जुड़ी हुई सचिन, आपके पास कोई जानकारी है तो शेयर करें। सचिन, महाराष्ट्र को लेकर क्योंकि सीट शेयरिंग की हम बात करें और यहां पर तो तीन तीन बड़े अगर हम बात करें तो महाविकास आघाड़ी के जो पार्टीज हैं, तो कैसे सीट शेयरिंग का फॉर्मूला यहां पर तय हो? देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर पेचीदा मामला होने वाला है और ये इंडिया अलायंस के जो पार्टनर्स है, जो दल है, वो भी जानते हैं। अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र के तमाम जो बड़े नेता है वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में ये मसला जो है ये आसानी से हल हो सकता है, लेकिन कथनी और करने में बहुत अंतर है। कि इसका उदाहरण मैं आपको बता दूं, 2 दिन पहले संजय राउत ने कहा था कि हमारी पिछली बार 18 सीटें आई थी और दमन की एक सीट जो बाई इलेक्शन में जीती थी 19 सीटें, हमारी सीटें 19 से 20 हो सकती है लेकिन 17 या 18 नहीं हो सकती, यानी कि शिवसेना कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस की एक सीट पिछले चुनाव में चुनकर आई थी चंद्रपुर वाली, जिसके बाद कांग्रेस अभी कह रहे हैं कि कम से कम 20 से 22 सीटें पर उनका हक बनता है जहां पर वो जीत सकते हैं, ऐसा कांग्रेस का दावा है। तो शरद पवार उसको लेकर कहते हैं कि जब कांग्रेस एक सीट जीतने वाली पार्टी अगर 20 सीट मांग रही है तो पिछले चुनाव में ये जो समस्या बता रहे हैं, दरअसल सचिन ये जो आप प्रॉब्लम कांग्रेस के लिए यहाँ पर महाराष्ट्र के लिए बता रहे हैं, कुछ इसी तरीके की समस्या बाकी राज्यों में भी आ सकती है। मसलन अगर मैं बिहार की सीटों का गणित देखूं, हमारे दर्शकों के सामने हम फटाफट ग्राफिक्स भी प्ले करते हैं जिससे और चीजें क्लैरिटी के साथ समझ में आएंगी। आरजेडी और जेडीयू दोनों 17-17 सीटों पर लड़ने के लिए राजी हो रहे हैं और कांग्रेस में दूसरे दलों को 6 सीटें दी जा सकती है। आरजेडी 2019 के अगर हम चुनावों की बात करें तो 19 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और एक भी सीट वो जीत नहीं पाई थी, सारी की सारी सीटों पर उसे हार का सामना करना पड़ा था। वहीं इसके उलट अगर हम जेडीयू की बात करें तो 17 सीटों पर वो चुनाव लड़ी थी जिसमें से 16 सीटें वो जीती थी, एक सीट वो हार गई थी, और कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ी और केवल एक सीट जीत पाई थी। अब अगर विनेबिलिटी के फॉर्मूले को भी देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आ रही है और इस मामले में जेडीयू सबसे भारी पड़ती है, तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फिर बिहार में क्या निकाला जाएगा? इसके बाद अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, अखिलेश यादव कांग्रेस को केवल 4 सीटें देना चाहते हैं, क्योंकि आपको ध्यान होगा पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत खराब रहा था और जो ये 4 सीटें अखिलेश यादव देना भी चाहते हैं उनमें से 2 तो परंपरागत जो कांग्रेस की सीट है अमेठी और रायबरेली, अमेठी वो भी जो उनके हाथ से जा चुका है, इसके अलावा कानपुर और फतेहपुर सीकरी, यानी कि इतने बड़े 80 सीटों वाले लोकसभा
वाले राज्य में भी कांग्रेस को महज 4 सीटें देना क्या ये कांग्रेस को सुहाएगा। इसके बाद बात अगर करें बंगाल की 42 सीटों की तो यहाँ पर ममता बनर्जी बेहद मजबूत है। ममता बनर्जी केवल 2 सीटें कांग्रेस के साथ शेयर करना चाहती हैं, जिसमें से एक अधीर रंजन चौधरी की सीट है जो कि बहरामपुर है और दूसरी मालदा साउथ है। यानी कि इन 42 में से भी केवल 2 सीटें अगर कांग्रेस के खाते में जाती हैं तो ये अगेन उनके लिए निराशाजनक होगा। इसके बाद अगर बात करते हैं यूपी बिहार और बंगाल के बाद इन टोटालिटी अगर पूरी पिक्चर को देखें तो उत्तर प्रदेश बंगाल बिहार इन राज्यों की अगर और महाराष्ट्र इनके टोटल गणना कर दें तो 162 सीटों का आंकड़ा बैठता है। और इनमें से अगर कांग्रेस पार्टी 162 में से केवल 10 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए घाटे का सौदा साबित हो सकता है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ये जो इंडिया अलायंस के गठबंधन की बैठक है फिलहाल इसमें सीट शेयरिंग को लेकर अभी कोई फॉर्मूला तय नहीं किया जाएगा। राज्यों से पहले चर्चा की जाएगी और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि गणित क्या बैठाया जाए। अब आपको ओवरऑल एक पिक्चर बता देते हैं। ममता बनर्जी ने जो फॉर्मूला तय किया है उसके मुताबिक कांग्रेस को कुल 543 में से केवल 227 सीटों पर चुनाव लड़ना होगा। 543 में से 227 सीटों पर चुनाव लड़ना होगा। 2014 के अगर गणित को आपके सामने रखें तो 464 सीटों में कांग्रेस चुनाव लड़ी थी और केवल 44 सीटें वो जीत पाई थी। 2019 में आप देखें तो 421 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा था और केवल 52 सीटें उनके खाते में आई थी। यानी कि जीत का परसेंटेज कांग्रेस पार्टी का चुनाव दर चुनाव घटता चला गया और अब अगर 224 सीटों पर वो चुनाव लड़ती हैं तो उसके बाद ये पिक्चर कांग्रेस पार्टी के लिए क्या होगी इस पर विजयलक्ष्मी और ज्यादा प्रकाश डाल पाएंगी। विजयलक्ष्मी, ये तो यूपी बिहार बंगाल और महाराष्ट्र की बात हो रही है लेकिन बहुत बड़ा चैलेंज है आम आदमी पार्टी के साथ, वो सीट शेयर कैसे करेगी, दिल्ली में कैसे गणित बैठाया जाएगा, पंजाब में क्या सीट शेयरिंग फॉर्मूला होगा। चलिए मैं विजयलक्ष्मी आपके पास आऊं। सचिन अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं तो दिल्ली और पंजाब में तो सबसे बड़ी चुनौती आने वाली है क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की अगर बात करें तो दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में 7 पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था और ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी थी। सचिन, मीनाक्षी अपना सवाल दोहराएं। चलिए सचिन तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। राजेश, अगर आप मेरा सवाल सुन पाए हो तो यूपी बंगाल बिहार के अलावा क्या स्थिति होने वाली है पंजाब में और दिल्ली में, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लिए स्थिति कितनी सुविधाजनक या कितनी अनकंफर्टेबल? देखिए, कांग्रेस सूत्र जो बताते हैं कि एक फॉर्मूले की तलाश की जा रही है, उस फॉर्मूले के तहत ही पूरे देश में, क्योंकि इंडिया अलायंस का जो गठबंधन है पूरे देश में पार्टियां हैं, हर राज्य में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर एक दूसरे के सामने है, तो कोई ऐसे फॉर्मूले की तलाश है जिसके ज़रिए अलायंस का एक कैंडिडेट जो हो वो हर सीट पर नज़र आए। और उस फॉर्मूले की तलाश जो है वो इस वक्त नेता जो हैं वो करने में जुटे हुए हैं और इसकी चर्चा भी इस मीटिंग में की जाएगी क्योंकि ये बहुत सबसे पेचीदा काम यही होने वाला है कि सीट शेयरिंग कैसे होगी, किस सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा, क्योंकि हर एक सीट पर कम तक 2 से 3 पार्टियों का दावा है, तो सबसे पेचीदा जो मसला है वो यही होने वाला है और फॉर्मूले की तलाश जो है वो फिलहाल की जा रही है। मीनाक्षी, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।